नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। एक तरफ जहां पूरा देश मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच स्वतंत्रता दिवस की औपचारिकता निभा रहा था, वहीं दूसरी ओर मधेपुरा के कुछ युवा इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में लगे हुए थे। मोहन शकुंतला बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सहयोग से एक ओवर एक प्रयास नामक सामाजिक संस्था ने मधेपुरा के सदर अस्पताल ब्लड सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर 7 यूनिट रक्त संग्रह करवा एक मिसाल पेश की। शिविर का शुभारंभ करते हुए अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर डीपी गुप्ता ने कहा कि युवाओं की यह पहल सराहनीय और अनुकरणीय है। कोरोना काल में सदर अस्पताल रक्त की कमी से जूझ रहा है, वहीं इस संस्था ने आज रक्तदान शिविर लगाकर अपना मानव धर्म निभाया। इस शिविर में हुए रक्तदान से कई लोगों की जिंदगियां बचेंगी। रक्तदान करने वालों में दिलीप कुमार, कृष्ण मोहन, मनोज कुमार यादव, अमन कुमार, अशद काजमी, आशुतोष कुमार, सागर कुमार सिंह शामिल हैं। शिविर का नेतृत्व करते हुए संस्था की जिला अध्यक्ष शिखा कुमारी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से रक्त अधिकोष में रक्त की भारी कमी हो गई है। ऐसे में हम युवाओं को निश्चित रूप से आगे आकर रक्तदान करना चाहिए और यही हमारा अपने देश के प्रति सच्चा प्यार होगा। वहीं MSBA टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के निदेशक मनोज कुमार यादव ने संस्था के इस प्रयास को प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक और सकारात्मक कार्यों में युवाओं को हमेशा आगे रहने की जरूरत है। मौके पर ब्लड सेंटर के मेडिकल प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार राजकुमार पुरी के अलावा समाज सेवी ओम प्रकाश श्रीवास्तव, किरण देवी, संजय परमार, श्रीकांत राय, संस्था की सचिव सोनू कुमार, शिवानी अग्रवाल, सुनीत साना, आशीष कुमार सत्यार्थ, शशिभूषण आदि मौजूद रहे। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।